हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ शॉर्ट इंग्लिश डायलॉग्स का फिफ्थ पार्ट लेकर। आई एम श्योर अभी तक जो फोर पार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, आपको उन्हें देखकर सुनकर समझकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। अगर आपको ये जो सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हमारा आज का पहला जो वाक्य है वो है ट्रिवियल मैटर। जी हाँ, इट इज़ ट्रिवियल मैटर, मतलब छोटी मोटी बात। क्या कहते हैं, छोटी सी बात है, इट इज़ ए ट्रिवियल मैटर। कहो नहीं भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रिवियल मैटर। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट इज़ नॉट ए ट्रिवियल मैटर। चलो कहते हैं ब्रेकअप तो छोटी मोटी बात है भाई साहब, आज के ज़माने में ब्रेकअप इज ए ट्रिवियल मैटर नाउडेज। मतलब कोई लोग संस्कारी लोग होते हैं, वैल्यूज वाले लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई साहब ब्रेकअप छोटी बात नहीं है, ब्रेकअप इज नॉट अ ट्रिवियल मैटर। ब्रेकअप छोटी मोटी बात नहीं है, ब्रेकअप इज नॉट ए ट्रिवियल मैटर। क्या बोल कहता है, कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ, ये सब छोटी मोटी बातें हैं ना, दीज थिंग्स आर ट्रिवियल मैटर्स, राइट। नेक्स्ट है अपना एवरी माइन्यूट डिटेल। जी हाँ, इट इज़ नॉट मिनट, मिनट घड़ी वाला होता है। अगर इसका उच्चारण मिनट की जगह माइन्यूट कर दिया जाए तो इसका मीनिंग चेंज होता है। इसका मतलब होता है बिल्कुल गहराई से एक एक चीज चेक करना होता है, तब बोलते हैं एवरी माइन्यूट डिटेल, यानी एक एक चीज चेक करेगा, भाई चीज़ की गहराई तक जाना क्या है। कहते हैं भाई प्रोजेक्ट HOD को जमा करना है, और HOD आपको पता है कैसा होता है, बहुत ही खड़ूस आदमी होता है, लोग बोलते हैं भैया HOD विल चेक एवरी माइन्यूट डिटेल इन द प्रोजेक्ट, यानी बारीक से बारीक डिटेल चेक करेगा और बारीक खान निकालेगा प्रोजेक्ट में वो। HOD विल चेक एवरी माइन्यूट। जी हाँ, फिर से प्रोनंसिएशन सुनिएगा, HOD विल चेक एवरी माइन्यूट डिटेल इन द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में बारीक खान निकालेगा, बारीक से बारीक चीज़ चेक करेगा वो, तो HOD विल चेक एवरी माइन्यूट डिटेल इन द प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट इज ब्रेक ऑफ द अलायंस। अलायंस का मतलब होता है रिश्ता, कई मतलब होता है, प्रपोजल भी होता है शादी वगैरह का, अलायंस पार्टियाँ क्या कहते हैं एक दूसरे को जुड़ती हैं, वो भी अलायंस होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे किसी ने बोला भैया लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, द ग्रूम्स फैमिली ब्रोक ऑफ द अलायंस, ये सेकेंड फॉर्म है ब्रेक की, ब्रेक ऑफ तोड़ देना, तो द ग्रूम्स फैमिली ब्रोक ऑफ द अलायंस, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। बाकी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, जरा सा कुछ होता है रिश्ता तोड़ देती है, नहीं करनी बात ना। तो लड़की ने, मैंने पूछा क्या हुआ, जैसे मेरी जानकारी में कोई है, मैंने अब क्या हुआ, आपको रिश्ता टूट गया, तो मैंने रिश्ता तोड़ दिया ये वाला, तो आई ब्रोक ऑफ द अलायंस, मैंने रिश्ता तोड़ा, आई ब्रोक ऑफ द अलायंस, मैंने रिश्ता तोड़ दिया, आई ब्रोक ऑफ द अलायंस। इसके बाद है अपना नेक्स्ट डायलॉग, आपको पता ही है सबको ख्वाहिश होती है हर चीज़ उनके पास ऐसी कि दुनिया मुंह देखती रह जाए, तो हमारा जो डायलॉग है ये बताने के लिए कि मुंह देखती रह जाए, सामने वाले का मुंह खुला खुला रह जाए आश्चर्य के मारे, तो उसे बोलते हैं गेप। क्या बोलते हैं, गेप। तो भाई मैंने कहा भाई साहब, कहे होते लड़के भाई साहब ये गर्लफ्रेंड थोड़ी है, मेरी गर्लफ्रेंड तो कि भाई साहब कि दुनिया देखती रह जाएगी, आई विल हैव सच अ ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड, आई विल हैव सच अ ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड दैट द वर्ल्ड वुड कीप गेपिंग एट हर, कि दुनिया देखती रह जाएगी, तो आई विल हैव सच अ ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड दैट द वर्ल्ड वुड कीप गेपिंग एट हर, कि दुनिया देखती रह जाएगी। आई एम सेइंग अगेन, आई विल हैव सच अ ब्यूटिफुल गर्लफ्रेंड दैट द वर्ल्ड वुड कीप गेपिंग एट हर, कि दुनिया उसे देखती रह जाएगी, ठीक है। ऐसे के लोग बोलते हैं भाई I will have such a car that the world would keep getting at it, कि दुनिया देखते रहेगी मेरी कार को भाई साहब। एक ऐसी एक्सप्रेशन है जस्ट बी थैंकफुल, कब होता है, जब आप बताना चाहते हैं कि कुछ बुरा तो हुआ है बट इतना नहीं बुरा हुआ,
ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, तब लोग जस्ट बी थैंकफुल, शुक्र मना भैया चोट लगी, किसी का आग लग गई ये सब नुकसान हो गया, या शुक्र मना तुझे चोट नहीं आई, जस्ट बी थैंकफुल यू डिडंट गेट हर्ट, शुक्र मना। एक ने बोला मुझे नौकरी तो मिली है मगर 3 लाख की पैकेज मिला है, हमने कहा भैया तू सिविल इंजीनियर है वही भोपाल के कॉलेज से, शुक्र मना 3 लाख का पैकेज मिल गया, जस्ट बी थैंकफुल यू गॉट द जॉब, है ना, जस्ट बी थैंकफुल, शुक्र मना जस्ट बी थैंकफुल, क्या बोलेंगे जस्ट बी थैंकफुल, जब भी कहना पड़ जाए बुरा तो हुआ है और शुक्र मना ये ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, तब जस्ट बी थैंकफुल यू डिन गेट हर्ट, शुक्र मना चोट नहीं आई, जस्ट बी थैंकफुल यू डिन गेट हर्ट। इसके बाद है हिस्ट्री इज द विटनेस, कई बार कहते हैं ना भाई साहब यार वो मेरा सच्चा दोस्त था लेकिन आज जब उसका भाई आया तो उसने कहा तू घर से जा मैं भाई के साथ जाऊंगा भाई साहब, तो मैंने उससे भाई साहब इतिहास गवाह भाई साहब अपना अपना होता है पराया पराया होता है, हिस्ट्री इज द विटनेस, जी हाँ इतिहास गवाह भाई साहब हिस्ट्री इज द विटनेस, ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना, इतिहास गवाह है ब्लड इज थिकर देन वाटर, राइट, किसने कहा पाकिस्तान पर विश्वास कर लो की बार दवाई मांग रहा दे दो, राइट, उसने कहा दवाई दे दोगे तो मैं अटैक नहीं करूँगा इंडिया के ऊपर कश्मीर में, तो लोगों ने कहा भैया इतिहास गवाह है हिस्ट्री इज द विटनेस, पाकिस्तान हैज ऑलवेज चीटेड इंडिया, पाकिस्तान इंडिया को हमेशा धोखा दिया है, हिस्ट्री इज द विटनेस, इतिहास गवाह है। इसके बाद है कई बार होता है बंदा बहुत दुखी था उसका ब्रेकअप हो गया फिर से तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास गया, फर्स्ट वाली के पास गया, सेकंड वाली से ब्रेकअप हो गया, उससे जाके बैठा बातचीत करी, राइट, उसके बाद जब बातचीत हो गया आधा घंटा तो उसने कहा लड़के ने तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया, आई एम क्वाइट रिलीव्ड टू टॉक टू यू, तुमसे मिलके मन हल्का हो गया, आई एम क्वाइट रिलीव्ड टू मीट यू। कई बार होता है बंदे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, बंदा फेल हो गया बड़ा परेशान, राइट, तो उसके दो गर्लफ्रेंड ने कहा तुम आओ मुझसे मिले चिनार पार्क में, चिनार पार्क गया बंदा उसके बाद बैठा बातचीत करके समझाया तो उसने बोला तुमसे मिलके मन हल्का हो गया, आई एम क्वाइट रिलीव्ड टू मीट यू, तुमसे बात करके मन हल्का हो गया, आई एम क्वाइट रिलीव्ड टू टॉक टू यू। इसके बाद है इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है किसी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देना, जैसे हम कहते हैं ना माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए, पेरेंट्स शुड इम्बाइब ग्रेट वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन, जी हाँ पेरेंट्स शुड इम्बाइब ग्रेट वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए, पेरेंट्स शुड इम्बाइब ग्रेट वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन, माता पिता को अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन है आपका, हाँ कहते ना आपका भगवान ऐसा होता तो नहीं है मगर ऐसा हो जाए तो सुबह से उठ के भी उसके लिए चाय नाश्ता लेके आ रही है, राइट, अखबार आके पढ़ने दे रही है, हमारी बीवी तो अखबार छीन लेती है, लोग बोलेंगे तो हमने कहा तो बंदा तारीफ कर रहा भैया इससे कि अपनी बीवी की तारीफ कर रहा भाई, बीवी हो तो तुम्हारी जैसी हो, इफ वन हैज़ द वाइफ इट शुड बी लाइक यू, अरे बीवी हो तो तुम्हारे जैसी, इफ वन हैज़ द वाइफ इट शुड बी लाइक यू। और अगर मैं बोलूँगा अपने मान ली मेरे दोस्त से मैंने इसकी बीबी को देखा भाई इसकी सेवा करते हो तो मैंने कहा बीबी हो तो भाई साहब तेरे जैसी हो, है ना, जैसी तेरे पास है, तो इफ वन हैज अ वाइफ इट शुड बी लाइक योर्स, यानी जैसी तुम्हारे पास है, तो जब आप किसी को बताना है कि अगर कोई चीज़ हो कोई व्यक्ति है तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो जैसी तुम्हारे पास है ऐसी होनी चाहिए, तो वाई ओ यू आर एस योर्स बोलेंगे, अगर ये बोलें कि कोई व्यक्ति हो तो तुम्हारे जैसा ठीक तुम्हारे जैसा तो यू हो रहेगा, तो अगर अपनी बीबी से बोल रहा है कि अगर बीबी हो तो तुम्हारे जैसी हो तो इफ़ वन हैज़ द वाइफ इट शुड बी लाइक यू, लेकिन अगर मान लो आपको इस बंदे से कहना भाई अगर बीबी हो तो इसके जैसी हो जैसे इसके पास है तो इफ़ वन हैज़ द वाइफ इट शुड बी लाइक योर्स, तो इसके तुम्हारे जैसी बीबी सबके पास हो चाहिए, इफ़ वन हैज़ द वाइफ इट शुड बी लाइक योर्स, राइट, और ऐसे अगर पैसा हो तो भाई साहब जैसे तेरे पास है, जैसे मेरा दोस्त है बहुत अमीर है तो मैंने कहा अगर पैसा आ तो तेरे जैसे वरना हो ही ना, इफ वन हैज़ द मनी इट शुड बी लाइक योर्स, अगर पैसा हो तो तुम्हारे जैसा, इफ वन हैज़ द मनी इट शुड बी योर्स, इट शुड बी लाइक योर्स।
दीज आर द 10 एक्सप्रेशंस। आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा इनको सुन के और देख के। लिखिए, यूज़ कीजिए। मैं राहिल शर्मा अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल से आपके सामने। राइट, थैंक यू वेरी मच।